मार्च 2023 में के विश्वनाथ, के डॉट आना चाहिए, के विश्वनाथ का निधन हो गया। तो के विश्वनाथ का कार्यक्षेत्र तो आप सभी जानते हैं, के विश्वनाथ जी हमारे सिनेमा जगत से जुड़े हुए हैं, इनको देखा होगा अपने फिल्मों में। के विश्वनाथ जी कई फिल्मों में आए हैं, ये कई सीरियल्स वगैरह में भी आए हैं। ठीक, चलिए, के विश्वनाथ जी इससे ज़्यादा समय नहीं देना है। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? आरबीआई गवर्नर अभी के शक्तिकांत दास। ठीक है, तो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी को मेंटेन करती है, और मॉनेटरी जिसके पास मुद्रा होती है उसके पास क्या होती है? शक्ति। और बाकी सब लोग क्या होते हैं? जिसके पास शक्ति होती है तो वो बाकी लोगों को दास बना लेता है। तो 7 अप्रैल 2023 की स्थिति में, यानी कि आज से लगभग 11 दिन पहले जब ये टाइप हुआ था तब यही थे शक्तिकांत दास जी। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अंतर्गत नियुक्त या नामित निदेशक। भारतीय रिजर्व बैंक के अधिनियम की धारा 8(1)(a) कोई पूछेगा नहीं, है ना। यहाँ पर गवर्नर है शक्तिकांत दास, उप गवर्नर भी है महेश कुमार जैन जी, इसके अलावा MD पात्र, M राजेश्वर राव और T रविशंकर, कोई पूछ नहीं रहा है ना, ध्यान दीजिएगा। ये जो नाम है शक्तिकांत दास जी का, ये आ सकता है एग्जामिनेशंस में, बहुत सिंपल सा प्रश्न है पर आ सकता है। 1 फरवरी 2023 को मैनुएला रोका बोटे किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी? तो मैनुएला रोका बोटे जो हैं वो इक्वेटोरियल गिनी, गिनी जिसको बोलते हैं हम, तो इक्वेटोरियल गिनी पूरा नाम है, वहाँ की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है मैनुएला रोका बोटे, ये नाम है इनका। अफ्रीकी देश गिनी की प्रमुख बनी है ये। ठीक है, अगला प्रश्न। 2023 में विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया, वर्ल्ड वेटलैंड डे अगर आप बात करेंगे तो ये आंसर मिल जाएगा आपको। 2 फरवरी 2023 को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया है। चलिए, विश्व आर्द्र भूमि दिवस के बारे में ध्यान दीजिएगा। 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन हुआ था, ईरान के शहर रामसर में हस्ताक्षर हुए थे, इसके कारण से 1997 से वर्ल्ड या विश्व आर्द्र दिवस मनाया जाता है, बस इतना ध्यान दीजिएगा। अगला, भारत में मौद्रिक नीति का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? अभी कुछ देर पहले मैंने बताया कि भारत में मौद्रिक नीति का संचालन RBI द्वारा किया जाता है, शक्तिकांत दास जी प्रमुख है। नई मौद्रिक नीति वक्तव्य 2022-23 जारी हुआ है 8 फरवरी 2023 को RBI गवर्नर शक्तिकांत दास द्वारा। ठीक है, फरवरी 2023 माह में भारत की किस शीर्ष महिला जिमनास्ट खिलाड़ी को प्रतिबंधित पदार्थ के सेवन के कारण अंतर्राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ITA द्वारा 21 महीने की अवधि के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है? तो ये जो महिला खिलाड़ी हैं इनका नाम है दीपा कर्माकर, बहुत फेमस खिलाड़ी रही हैं। अब ये कैसे हो गया नहीं पता, परंतु दीपा कर्माकर जी इस कारण चर्चा में रही है। दीपा कर्माकर भारत की शीर्ष महिला जिमनास्ट खिलाड़ी है, 2016 में रियो ओलंपिक खेलों में चौथे स्थान पर रही थी, नहीं तो पहली महिला जिमनास्ट हो जाती जो कि कोई अपना ओलंपिक पदक लेकर आती जिमनास्ट में। चलिए, दीपा कर्माकर बहुत फेमस हुई थी उस समय। अगला, पैट्रिक फ्रेंच का निधन हुआ है मार्च 2023 में। पैट्रिक फ्रेंच का कार्यक्षेत्र, पैट्रिक फ्रेंच को अगर आप देखेंगे तो ये लेखक तथा इतिहासकार के रूप में आपको याद आएंगे। प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखक और इतिहासकार पैट्रिक फ्रेंच का निधन हुआ मार्च 2023 में। चलिए, मार्च 2023 में फूमियो किशिदा भारत की यात्रा पर रहे, ये व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, ये नाम आ सकता है फूमियो किशिदा का। और फूमियो किशिदा आप सभी जानते हैं कि जापान के प्रधानमंत्री हैं, फूमियो किशिदा, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा मार्च 2023 में भारत की यात्रा पर रहे और ये उनकी आधिकारिक यात्रा थी।
प्रधानमंत्री के रूप में पहली भारत की यात्रा है, महत्वपूर्ण है, और जापान से भारत के संबंध काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। ठीक है, चलिए। भारत तथा किस अन्य देश के मध्य मैत्री पाइपलाइन संचालित, मैत्री जो प्रोजेक्ट है भारत तथा उसके किस पड़ोसी देश के मध्य संचालित हो रहा है, तो अगर आप देखेंगे तो आंसर मिल जाएगा आपको भारत तथा बांग्लादेश के मध्य, भारत तथा बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन प्रोजेक्ट। ठीक है, इतना भी ध्यान रख लेंगे तो काम हो जाएगा। मैत्री पाइपलाइन प्रोजेक्ट ध्यान दीजिएगा, भारत तथा बांग्लादेश के मध्य। उद्घाटन नरेंद्र मोदी तथा बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा किया गया है 18 मार्च 2023 को। ठीक है, ऊर्जा पाइपलाइन है, भारत तथा बांग्लादेश के बीच सीमा पार पहली ऊर्जा पाइपलाइन है। मार्च 23 माह में सिलिकॉन वैली बैंक दिवालिया हो गया, इसका उल्लेख आपने देखा होगा और लोगों ने कहा था कि भैया ये 2008 जैसी मंदी फिर से ना ले आए। तो सिलिकॉन वैली बैंक कहाँ स्थित है, आपको पता है सारी आफतें अमेरिका से आती हैं या चीन से आती हैं, तो आंसर क्या है, अमेरिका। तो मार्च 2023 माह में सिलिकॉन वैली बैंक दिवालिया हो गया, और ये कहाँ का बैंक है, अमेरिका। ठीक, सिलिकॉन वैली बैंक के बारे में जानकारी ध्यान दीजिएगा, अमेरिका का है। ठीक है, कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका 1983 में स्थापित है। बहुत सारे लोग पैसा लेने पहुँच गए थे, उसकी छोड़ो भारत के किसी बैंक पर अगर सारे लेनदार अपना पैसा लेने पहुंच जाए तो उसी दिन दिवाली हो जाएगा, उनकी छोड़िए यहाँ भी हो जाएगा। मार्च 2023 माह में केर्माडिक द्वीप समूह में भूकंप आया, तो ये केर्माडिक द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है जी, केर्माडिक द्वीप समूह अगर आप देखेंगे तो ये न्यूजीलैंड में आपको दिखाई देगा। मार्च 2023 माह में न्यूजीलैंड स्थित केर्माडिक द्वीप समूह में आपको भूकंप दिखाई देगा, ये यहाँ पर है, न्यूजीलैंड के ठीक उत्तर में, इसी के राजनीतिक क्षेत्र में आता है, ये स्थिति है न्यूजीलैंड में। ठीक है, 16 मार्च 2023 को आया था, बस इतना है, लोकेशन ध्यान रखना है पूछ लिया जाए तो। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन दर्शकों के लिए खोला गया, ट्यूलिप इसी समय आते हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए कि एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर है, तो वो है श्रीनगर में। ठीक, ये है ट्यूलिप गार्डन, एशिया लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर है, श्रीनगर में। ठीक, मार्च 2023 में विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2023 जारी की गई, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023, और इसमें भारत का जो स्थान है वो थोड़ा सा चिंताजनक है, 126वां, काफ़ी दुखी है हम लोग खुश होने की जगह, 137 देशों में हमारा स्थान 126वां है, सोचिए जरा आप। ठीक, 20 मार्च 2023 को आया है, किसके द्वारा जारी किया गया, संयुक्त राष्ट्र निर्वहनीय विकास समाधान नेटवर्क UNSDSN, एक कुल 137 देशों में ये काम हुआ है और हमारी स्थिति खराब है। टॉप पे सबसे ज़्यादा खुश वाले देश है फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, सबसे ज़्यादा दुखी कौन है, सबसे ज़्यादा दुखी अफगानिस्तान वाले लोग, फिर है लेबनान। एक्चुअली क्या है, सुखी दुखी तो ठीक है जो भी है, परंतु अजीब सा मामला है, पिछले साल 126वें पे थे, इस बार 136 पे हैं, पिछले साल 137 देशों में था और इस बार 146 देशों में, ज़्यादा कोई अंतर नहीं है अगर आप तुलनात्मक अध्ययन निकालेंगे तो। पाकिस्तान हमसे ज़्यादा खुश है चीन ज़्यादा खुश है, नेपाल भी, बांग्लादेश भी, श्रीलंका भी, सब के सब खुश दे। चलिए ठीक, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म किस रेलवे स्टेशन पर विकसित किया गया है, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म आप देखेंगे तो ये मिल जाएगा आपको, सिद्धारूढ़ स्वामी जी हुबली रेलवे स्टेशन, कर्नाटक राज्य में स्थित है सिद्धारूढ़ स्वामी जी हुबली रेलवे स्टेशन विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बन गया है, पहले खड़गपुर हुआ करता था अगर आपने ध्यान दिया हो। ठीक है, ये 1507 मीटर है, यानी कि लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा है ये, 1507 मीटर, हाँ ठीक, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। अगला, 2023 में, मार्च 2023 में आयोजित एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2023 किसने जीती, आंसर आपको पता है, एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप हमारे पंकज आडवाणी जी ने जीती, ये खेल बढ़िया है, इसमें इंजरी भी नहीं होती है खिलाड़ियों को, खेलते रहते हैं, तो पंकज आडवाणी जी को मैं अपने तैयारी के दौरान से ही नाम सुनता आ रहा हूँ, बिलियर्ड्स
पंकज आडवाणी जी, दोहा कतर में हुआ था ये, कोई पूछता ज़्यादा है नहीं इसके अलावा। पंकज आडवाणी किस खेल से संबंधित है ये भी ध्यान रख लो तो बहुत है। अगला, मार्च 2023 वहाँ में आयोजित वाल्सपर चैंपियनशिप 2023 का खिताब टेलर मून ने जीता। वाल्सपर चैंपियनशिप 2023, ये वाल्सपर चैंपियनशिप किस खेल से संबंधित है? जी, नाम है टेलर मूर ने जीती है और ये खेल है गोल्फ का, ठीक है। मार्च 2023 में आयोजित वाल्सपर चैंपियनशिप का खिताब टेलर मून ने जीता और ये गोल्फ के खेल से संबंधित है। वाल्सपर चैंपियनशिप, ये टी कही जाती है जिस पर ये गेंद टिकी होती है ना? ठीक है भाई, चलिए अगला। मार्च 23 माह में किस राज्य में याशोशांग महोत्सव मनाया गया? याशोशांग महोत्सव अगर आप देखेंगे तो ये आपको मणिपुर में देखने को मिल जाएगा। याशोशांग महोत्सव मणिपुर, ठीक। ईरानी ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम, ईरानी ट्रॉफी भी क्रिकेट के खेल से संबंधित है और अगर आप ध्यान दीजिएगा तो ये शेष भारत ने जीता है। ईरानी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है ये प्रश्न बनता है, ध्यान दीजिएगा। ये जो दूसरी लाइन है, फाइनल में शेष भारत ने मध्य प्रदेश को पराजित कर ईरानी ट्रॉफी को जीता है। तो मध्य प्रदेश पिछले साल रणजी ट्रॉफी जीत गई थी, इस बार ईरानी ट्रॉफी जीतते जीतते बची है भाई, ध्यान दीजिएगा, इसलिए इसको लिया है। रणजी ट्रॉफी विजेता मध्य प्रदेश और शेष भारत के बीच में हुआ था ये मुकाबला, ठीक। मध्य प्रदेश 238 रनों से पराजित हो गया है भाई। ईरानी ट्रॉफी 2023 का फाइनल कहाँ खेला गया ये प्रश्न है, आंसर है ग्वालियर के रूप सिंह स्टेडियम में। सोचिए जरा, रूप सिंह हॉकी के खिलाड़ी थे, कैप्टन ध्यान सिंह के भाई, उनके नाम पर स्टेट ग्वालियर में, वहीं पर ये ईरानी ट्रॉफी का फाइनल खेला गया जहाँ पर मध्य प्रदेश की हार हुई। कोई बात नहीं, चलता है खेल में तो हार जीत, ऐसा क्या है। जल शक्ति अभियान केच द रेन 2023 का शुभारंभ किस तारीख को हुआ? केच द रेन अभियान की शुरुआत, हाँ जी, ये हुई है 4 मार्च 2023 से। प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में जल शक्ति अभियान केच द रेन की शुरुआत की, ठीक है। स्वच्छ सुजल केच द रेन अभियान, ठीक। मार्च 2023 माह में किस देश को नाटो की सदस्यता प्राप्त हुई? ये वो 31वां देश बन गया है जो कि नाटो का नवीनतम सदस्य है। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, ठीक है, छपा हुआ प्रश्न मान लीजिए आप इसको, तो आंसर मिल जाएगा आपको फिनलैंड। फिनलैंड 31वां देश हो गया है बेसिकली, ये जानकारी ध्यान दीजिएगा। फिनलैंड के राष्ट्रपति अभी की स्थिति में सोली निनिस्टो का नाम ध्यान रखिएगा, नाटो की सदस्यता प्राप्त हो गई इनको अप्रैल 2023 में। तो भैया अभी जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो ध्यान दीजिएगा, ये फिनलैंड क्योंकि नाटो को लेकर यूक्रेन भी जाना चाह रहा था और बेचारा युद्ध में फंस गया, इधर फिनलैंड सक्सेसफुली पहुंच गया नाटो के अंदर, तो ध्यान दीजिएगा फिनलैंड, ठीक। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इस साल के जो सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें WHO और नाटो का नाम मैंने कई बार बताया आप लोगों को। नाटो के बारे में, स्थापना 1949 की है ना, मुख्यालय इसका ब्रुसेल्स है, कलेक्टिव डिफेंस पर स्थापित संगठन है, वन फॉर ऑल ऑल फॉर वन की स्थिति चलती है, कुल 31 देश सदस्य हैं इसकी और वर्तमान महासचिव है जेन्स स्टॉल्टनबर्ग, इस पर भी चर्चा हुई है हमारी, है ना, ये नाम भी पूछा जा सकता है। अगला, मार्च 2023 माह में उच्चतम न्यायालय ने मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया। 7 अप्रैल 2023 की स्थिति में देश के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? जी, आंसर है राजीव कुमार जी, ये ध्यान दीजिएगा। तो चुनाव आयुक्तों के बारे में काफ़ी चर्चा हुई है मार्च में। मार्च 2023 माह में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनके लिए एक पैनल निर्धारित होगा और उस पैनल की सिफारिश के आधार पर ही चुनाव आयुक्त नियुक्त किए जाएंगे। 7 अप्रैल 2023 की स्थिति में देश के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी ही हैं, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया।
ठीक, न्यायमूर्ति के एम जोसेफ, ये नाम ध्यान रखिएगा, है ना, कभी बहुत डीप प्रश्न पूछा तो इनका नाम आ जाएगा, संविधान पीठ ने दिया है। अब देश के मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्तियाँ प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और भारत के मुख्य न्यायाधीश की एक समिति की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। इसमें एक छोटा सा चेंज और कर देता हूँ कि अगर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ना हो तो जो विपक्षी दल है, उस जो सबसे बड़ा विपक्षी दल है उसका नेता, जैसे वर्तमान में अभी कोई मुख्य विपक्षी दल नहीं है तो कांग्रेस है, तो कांग्रेस में जो वहाँ का जो नेता है कांग्रेस पार्टी का, उसको सामने रख लेंगे। यह नियम तब तक कायम रहेगा जब तक संसद इस मुद्दे पर कोई नया कानून बनाने देती,